नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2018 का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अब आगे क्या करना चाहिए उसकी पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। पांच टाइप के टोटल स्टूडेंट हैं। सबसे पहले वो जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब उनको कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो। दूसरे टाइप के वो हैं जो थोड़े आशावादी हैं, उनका नहीं हुआ तो अब आगे की जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी गलती आखिर रह गई कि यहाँ पे मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो अपनी पूरी कमियों को ढूंढ रहे हैं और उस पे जो है यहाँ पे एनालिसिस करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो 2020 का टारगेट 2019 का टारगेट कर सके। तीसरे टाइप के अलग टाइप के हैं, एक इन्वेस्टिगेशन वाले टाइप के स्टूडेंट हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है कि भैया क्या हिंदी मीडियम वालों का हुआ ही नहीं है, और अगर जो है मेरा कैसे नहीं हुआ, आरटीआई यहां पे करेंगे और कट ऑफ कितना गया है, सिर्फ पंडित का हुआ है यार, सिर्फ यादव का हुआ है, सिर्फ मिश्रा का हुआ है, सिर्फ गर्ल्स का हुआ है, सोशल वर्क का तो हुआ ही नहीं है, डिफेंस का तो हुआ ही नहीं है, इस टाइप के लोग हैं। मैं किसी को भी प्लीज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं किस टाइप के। चौथे वो है जो बिल्कुल जिंदगी से हार चुके हैं, बोल चुके हैं साहब साहब कि भैया मैं लुल्लू, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बहुत बड़ा कोयला हो चुका, अब खेल खत्म। और पांचवे टाइप के वो हैं जिनको इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है बकलोली सुनने आए हैं और वो अपना मजे लेने आए हैं। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। और ये हमने कुछ कमेंट निकाले हैं फेसबुक में ही, ये कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स के कमेंट हैं, ये सारे हम ही लोगों की तरह आम आदमी हैं। और जब जब आशा जो है यहाँ पे टूट जाती है, हार जाता है आदमी, तो यही लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो पाया, उम्र बढ़ती जा रही है, मूड खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बेकार है, मेरा भाग्य खराब है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो क्या आप इस टाइप के हो, और या फिर इस टाइप के हो कि भैया कोई बात नहीं, मेरा इस बार नहीं हुआ, दुखी जरूर हूं, जिन लोग का हो गया उन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन आगे मैं फिर से लड़ूंगा और जीत के रहूंगा। पहले उन लोग की बात कर लेते हैं भैया जिनका नहीं हुआ। ये वाली चीज देखिए, इसमें कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया में ये वाला फेज भी चला जाएगा जैसे इससे पहले वाला टाइम चला गया। दुनिया में सिर्फ आपको एक ही आदमी मोटिवेट कर सकता है, वो आप खुद से हो। जब तक आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, सेल्फ मोटिवेशन कैसे आ सकता है, आप अपने आप को सोचिए, आप अपने एटीट्यूड के बारे में सोचिए, आप उन सब लोगों के बारे में सोचिए जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपके ऊपर हंसी करते हैं, ठिठोले करते हैं कि यार ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, एक ही जिंदगी मिली है, कुछ आए हो दुनिया में तो कुछ करके जाओ। बस यही वाली मोटिवेशन आपको खुद से आनी चाहिए। थोड़ा बहुत रो लो यार, रोना है तो रो लो, दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। कोई ऐसा दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है परफेक्ट, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ह्यूमन नहीं है जो परफेक्ट हो एकदम। सब लोग रोते हैं, सब लोग हंसते हैं, सब लोग जीतते हैं, सब लोग हारते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं घट गया है कि दुनिया खत्म हो गई है। दुनिया पहले भी चलती थी, अभी भी चलेगी, आगे भी चलती रहेगी। जिंदगी पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो ज्यादा लबर लबर मत करो, चुपचाप अगर आपके पास अटेम्प्ट बचे हैं तो चुपचाप 2020 के लिए लग जाइए, 2019 के लिए लग जाइए। अगर अटेम्प्ट नहीं बचे हैं तो जो भी आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया है उसको कहीं ना कहीं जरूर यूज करिए। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, बस एक अच्छा सा प्रयास आपका होना चाहिए, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा बस। अब आते हैं भैया जिनका हो गया है वो लोग क्या करें। देखिए, इंटरव्यू का मतलब ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं, 100 नंबर का इंटरव्यू है, आपका नॉलेज का टेस्ट हो चुका है पूरा, ठीक है। प्री जो है आपका क्वालिफाइंग था, प्री का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेंस में आपको उन लोगों ने पूरा नॉलेज टेस्ट ले लिया है कि भैया आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। इंटरव्यूज जो है पूरा का पूरा सिर्फ आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे कि आप कहीं जो है एसडीएम बने, डीएसपी बने, आप चीजें संभाल पाओगे कि नहीं, आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, आप उनका उपयोग कर पाओगे कि नहीं, बस यही सब चीजें देखते हैं। इंटरव्यू में सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस लेवल ला के रखना है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपका, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस और लोअर कॉन्फिडेंस इसके बीच में रहना है, एकदम बैलेंस बना के रखना है जिंदगी में, वरना यहां पे सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। कई लोग अच्छा अच्छा नॉलेज रखते हुए, सब कुछ आते हुए भी वहां पे नहीं कर पाते हैं। कई लोग नॉर्मली बिल्कुल लेते हैं कि इंटरव्यू तो है यार, एक जिंदगी का एक ही पार्ट तो है, क्या हो गया ऐसा। अरे ये सोच के जाना बिल्कुल, भैया हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ तो चलती रहेगी आगे भी, लाइफ थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो ये डर निकाल दो अपने मन से बिल्कुल, जो होगा बढ़िया होगा, जैसा होगा बढ़िया होगा,
पूरी मेहनत अपनी तरफ से करो, पूरा कर्म अपनी तरफ से करो, कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना। बिल्कुल इंटरव्यूअर ही बैठा है सामने, वो भी कभी आपकी सीट पर था, ये ध्यान रखिएगा, वो कोई बहुत बड़ा सुपरमैन नहीं है। आज वो सिलेक्ट होके लगातार बढ़ के वो वहां पे बैठा है कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन वो भी कभी उसी सीट पे था जहां पे आज आप बैठे हो। तो कॉन्फिडेंस अपना बना के रखो, कुछ अच्छी मोटिवेशनल मूवी देख लो, कुछ अच्छा जो है गाने सुन लो, जाने से पहले अपने आप को बैलेंस रखो, नॉर्मल फूड खाओ, अपना कुछ मिला के हेल्दी रहो और स्वस्थ रहो, और अच्छा सोचो कि भैया जो होगा सब बढ़िया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया क्या क्या चाहिए आपको जाने से पहले। वो जो नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज है कि साफ सुथरे कपड़े पहनना, फॉर्मल कपड़े पहनना, प्रेस वेस करके जाना, ये सब तो बचपन से देखते आ रहे हैं यार, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल चीजें होती हैं ये, आपको पता ही होगा, इतने टिकट तो होंगे ही। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत देख लेना कि कैसे कैसे फॉर्मल होते हैं, कैसे टाई लगा के नॉर्मल सी चीजें कैसे करते हैं। मेन चीज है यहाँ पे DAF या फिर जो आपका CV है उसमें आपने क्या क्या लिखा है, जो लिखा है उसका व्हाट वेयर व्हाई हाउ व्हेन सब कुछ एनालिसिस करनी है। क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या प्लेस है, आपके प्लेस में क्या क्या फेमस है, आप कानपुर के लखनऊ के हो, वहां का क्या क्या फेमस है, कोई फेमस अभी लेटेस्ट कुछ कांड हो गया है, प्लस दुनिया भर में क्या चल रहा है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, सारी चीजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, 3-4-5 लोग बैठे रहते हैं, सब देखा करते हैं, एक बंदा क्वेश्चन पूछता है आपको ऐसे बैठा देंगे, यहाँ पे आप बैठे होंगे, यहाँ पे 3-4 लोग बैठे होंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, एक करेगा, बाकी तीन देखेंगे, बाकी तीन आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, बाकी तीन ये देखेंगे कि आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे कि आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं भी आता होगा, कुछ वेक टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, क्या पता आपके नाम का अर्थ ही पूछने लगे, कुछ कहते हैं कि आपको जो है ये इस स्थिति में कर दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए, कुछ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होके नॉर्मल तरीके से अगर आप रहेंगे, नॉर्मली लेंगे तो सब कुछ हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि ना हो पाएँ। ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, भैया वे ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे वो बोलें वैसे ही आप भी जवाब दे देना। ठीक है, अगर वो उन्होंने हिंदी में बोला तो आप भी हिंदी में कर देना, इंग्लिश में बोला तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आप भी कर देना, अगर नहीं भी आती होगी तो भी ऐसा नहीं है कि भैया ये कॉल सेंटर का तो टेस्ट है नहीं, इतना होना चाहिए कि जो भी आप बोलें वो कॉन्फिडेंस से बोलें बस। लेटेस्ट करंट अफेयर आपको जरूर देखने हैं, कोविड जो 19 है इसने पूरे दुनिया भर को हिला के रखा है, इस पर जरूर देख लीजिएगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कब ये चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, क्या क्या इकोनॉमिक इफेक्ट ला रहा है, पूरे दुनिया को कैसे झकझोर रहा है, इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट कर रहा है, किसानों पे क्या इफेक्ट है, यूपी में क्या इफेक्ट है, गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट है, आप पे क्या इफेक्ट है, स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट है, प्लस ये सोशल सेक्टर में क्या क्या जो है यहाँ पे चुनौतियां ला रहा है, सारी चीजें, सरकार क्या कर रही है, कैसे ये जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप अगर कहीं जगह बना दिए जाए, कुछ SDM बना दिए गए, DSP बना दिए गए, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे एकदम से जो है दवाइयों की कमी हो गई या कुछ हो गई, कैसे मैनेज करना है, कैसे हॉस्पिटल को सपोर्ट देना है, कैसे पुलिस वालों को सपोर्ट देना है, कैसे जो है डॉक्टर्स को बना के रखना है, सारी चीजें पूरी एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। इंडिया चाइना के साथ, चाइना जो इंडिया के साथ पिला पड़ा है क्यों हो रहा है, आखिर नेपाल क्यों बार बार फुदक रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। US चाइना के बीच में क्या चल रहा है, H1B वीजा क्या चल रहा है, ये सब लेटेस्ट करंट अफेयर के टॉपिक हम देते रहेंगे, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं वॉइस नोट में देता रहूंगा। गवर्नमेंट स्कीम भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम आई है, इवन यूपी का सेंसस और 2021 में भी क्योंकि सेंसस होना है तो सेंसस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको पॉलिटिकली वो लोग यहां पे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है, न्यूट्रल आंसर देना है, एक नॉर्मल न्यूट्रल मैन की तरह देखना है, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो है हमेशा न्यूट्रल होता है, वो किसी पॉलिटिकल पावर या फिर जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। महिलाएं हैं तो उनका जो है उनको पता होना चाहिए कैसा कैसा रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, विधानसभा में, ODF स्टेटस क्या है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि महिलाओं का क्या स्टेटस है आपके राज्य में, जो है कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, हिस्टोरिकली क्या क्या चीज़ें रही, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देखना है। 2016 का एक वीडियो है, 2016 में जो इंटरव्यू हुआ था उसके पूरे क्वेश्चंस का सेट है, एक मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको आइडिया हो जाएगा। तो DAF का एक एक वर्ड आपको पूरी एनालिसिस करके जाना है, अगर आपने कुछ लिखा है उसमें कि भैया हॉबी है तो वो हॉबी से रिलेटेड क्या पता आपसे वो पूछ ही ले कि गाना गा के सुना, तो उस जो है गाना एक चला के बोल दें कि भैया इसके बताओ जो है ये कौन सिंगर है, इसके प्लेबैक सिंगर कौन है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये कि आपसे कोई भी मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है इंटरव्यू में,
कि कोई वो सवाल ऐसा बंधन है, वहां पे उनको कोई लिखे हुए नहीं दिए जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत अपना लिख के भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पे कई सारे देखिए अचार वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, नॉर्मल आपके ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि भैया ऑप्शनल आपने क्यों लिया था, ये इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने सोशल वर्क लिया को उसी से कुछ क्वेश्चन पूछ दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जितनी प्रिपेयर हो सकती हैं, जो भी आपने DAF में लिखी हैं, जब आप फॉर्म भरोगे उसमें जो भी चीजें लिखी जाएंगी इंटरव्यू में, सारी चीजें बिल्कुल A to Z आपको पता होनी चाहिए। एक रजिस्टर बना लो यूपी का करंट अफेयर, क्योंकि यूपी का देने जा रहा हूं तो यूपी का बेसिक फैक्ट क्या है, यूपी जी के पापा वीडियो देख डालना, एक बार हो जाएगा यूपी करंट अफेयर का हम दे देंगे लेटेस्ट एक साल का, उसमें देख डालना, बस उतना कर लेना, उस वीडियो से हो जाएगा। ओवरऑल करंट अफेयर लेटेस्ट 5-6 महीने के जरूर आपको पता होना चाहिए, जो बहुत बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है वो तो जरूर पता होना चाहिए। CA हो गया, चाइना, नेपाल, अयोध्या, राफेल, और प्लस अगर हो सके कहीं तो मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हैं आप। लगातार हम लोग टिप्स देते रहेंगे, कुछ जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर थे उनके लिए हमने एक अलग से सपोर्ट ग्रुप बनाया है, हालांकि वहां पे लगातार हम उनको करते रहेंगे सपोर्ट जितना हो सकेगा। प्लस आपको जो यहां पे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी भैया, उसमें भी आपको यहां पे ध्यान से समझ के करना, क्यों SDM पहले भरी, क्यों DSP सेकंड पे भरी, और क्या होता है DSP का रोल, क्या क्या होता है, क्या करना होता है उसको, कैसे कैसे करना होता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भैया अगर आप एक जगह के SDM बना दिए जाओ, वहाँ पे कुछ क्राइसिस चल रही, कैसे मैनेज करोगे, कुछ सिचुएशन दे सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्या नहीं करना ये ज्यादा जरूरी है। जितना आता है उतना बोलें, ज्यादा लबर लबर ना करें। अगर किसी चीज में आपको बिल्कुल जीरो पता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप बिल्कुल उसमें निल है, तो भैया उसमें सीधे बोल दो कि सर सॉरी सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 बार सॉरी अगर आपने बोल दिया तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो ये रखना, वो सिर्फ फंसाने के लिए वहां पे पूछते हैं आपसे। तो जितना आता है उतना बोलो, ज्यादा लबर लबर करने का नहीं है। स्टार्टिंग में जिन लोग का इंटरव्यू पड़ेगा उसमें करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा सकता है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको वुमेन इश्यूज को जरूर तैयार करना है, विधानसभा में, लोकसभा में, और प्लस पंचायती राज में कहां कहां कितनी लिस्ट है, कैसे कैसे होता है उनका, प्लस कुछ और ये पॉइंट है। अगर आपका बोर्ड ऐसा है जो चेयरमैन वाला है तो आप जो है एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए जरूर प्रिपेयर रहिए। अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी तो आपके जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि भैया क्या आपका जॉब प्रोफाइल है, क्यों आप स्विच करना चाहते हो। ये हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो रूल्स रेगुलेशंस पूरे फॉलो करे, प्लस अपनी जो भी हायरार्की है उसको फॉलो करे। तो भैया अपनी हायरार्की, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। वहां पे ये नहीं कि आप प्रेजेंट जॉब में जहां पे हो वहां की बुराई करने लगे कि अरे वो तो हमको सैलरी नहीं देता है, हमको बहुत दुखी करता है, हमको 20 घंटे रोकता है, ये सब नहीं। नॉर्मल चीजें कि क्यों आप करना चाहते हो, जितना ज्यादा यहां पे रियलिस्टिक रह सकेंगे उतना बढ़िया, ठीक है। हॉबीज जो है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, नया ट्रेंड है ये। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, मतलब सेंसस 2011 वाला एक बार देख लेना यार, जाते जाते देख लेना। दूसरे स्टेट से हैं तो भैया क्यों यूपी ज्वाइन करोगे, यूपी में आपको जो है इतनी सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारी डिफिकल्टी आ सकती है, कहो यही क्वेश्चन पूछ लें। कुछ कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये मंदिर था, उसके बगल में कोई ऐसे जो है रिवोल्यूशन हुआ, वो उसका गली का नाम बताइए, ऐसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेट पीसेस में। प्लस ये भी पूछ सकते हैं आपके नाम का अर्थ क्या है, अगर आपका नाम कोई भगवान से मिलता जुलता है तो क्यों रखा गया, ये सारी चीजें। आपकी प्रेजेंट जॉब और यूपी पीसीएस में जो आप करने वाले हैं काहे के लिए आना चाहते हो, और जब आपका इंटरव्यू हो तो उससे पहले कम से कम उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर उठा के जाइएगा, लेटेस्ट 1-2 हफ्ते का पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा टीवी मत देखना है, ये जो बाकी फालतू टीवी है, सिर्फ DD न्यूज, RSTV, बस इन्हीं दोनों को देखना। और हर जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है, पूरी एजेंडा बेस चल रही, इवन कई सारे स्टडी चैनल्स में भी। सिर्फ आपको DD न्यूज और RSTV फॉलो करनी जो न्यूज देते हैं, या ओनली करंट अफेयर हमारा फॉलो कर लीजिएगा, अभी से फॉलो कर लो जब तक नहीं आ रहा है आपका इंटरव्यू की डेट, वहां पे सिर्फ न्यूज दी जाती है। देखिए ये हमारा चैनल है, इसमें डेली आपको न्यूज मिलती है पूरी, जितनी एग्जाम के लिए जरूरी है, बस इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ आपको न्यूज मिलती है। आज से इसको फॉलो कर लीजिए, और जब तक आपका इंटरव्यू हो तब तक अगर आप फॉलो करके रखेंगे यहां पे तो लेटेस्ट आपको सब ट्रेंड पता चल जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मुझे जितनी चीजें जो है इंटरव्यू से रिलेटेड, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्लस करंट अफेयर, PDF, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगी इंटरव्यू के लिए, सारा इसमें दूंगा, सब कुछ फ्री रहेगा। अगर आप पेड ग्रुप के थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, चक दे फट्टे करके आनी।